हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। हमारे साथ में कुछ एसएससी जीडी कैंडिडेट्स हैं, इनसे बात करेंगे, इनके सेंटर पे कैसा फिजिकल हो रहा है उसकी बात करेंगे, हमारे पास आए वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसकी बात करेंगे। चलिए बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से आप? मनीष, हरियाणा से, सिरसा जिला से। मनीष, आपका स्कोर मतलब कितना स्कोर बन रहा है? कितना? मेरा 116 स्कोर बन रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ सर। 100% के साथ 116 बन रहा है, तो आपका फिजिकल आपका हो गया? फिजिकल? यस सर, हो गया। हाँ जी, तो फिजिकल आपका कहाँ था सेंटर आपका, उसके बारे में बताइए। सोनीपत था मेरा आईटीबीपी सेंटर में सर। कितना राउंड होता है? राउंड 1300 मीटर के थे, 4 राउंड और लास्ट राउंड जैसे 1100 मीटर का। और टोकन लेना पड़ता है? हाँ जी, टोकन, दो टोकन मिलती है, दूसरे राउंड के एंड में और तीसरे राउंड के एंड में टोकन लेना पड़ता है। तो आपको रनिंग जो आप घर पे प्रैक्टिस करते थे, कैसा सीधा वन गो वाला करते थे? वन गो अच्छा रहता है या राउंड वाला अच्छा रहता है, कौन सा? वैसे तो मैं दोनों टाइप के करता था, पर वहाँ पर राउंड वाला सही रहे, जैसे 1300 मीटर का था तो जैसे नाव यहाँ पा और वहाँ घर पर करता था, उससे 1.5 मिनट कम ही आया था टाइम। 1.5 मिनट कम आया था। और जो बच्चे मतलब कि आ रहे हैं वहाँ पे, तो एबसेंट ज़्यादा रह रहे हैं बच्चे? हाँ सर, एबसेंट कुछ रह रहे हैं काफ़ी। वो अपसेंट रह रहे हैं, वो अच्छी बात है। देखो, जो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें नहीं जाना या सिर्फ एग्ज़ाम ही देने के लिए देख लिया था, वो यदि एबसेंट रहते हैं तो वो अच्छी बात है। और ओवरऑल जो है वो लगभग तीसरे हिस्से के कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। यस सर, प्लीज। हाँ जी, कि जैसे 400 को बुलाया है तो उसमें से 100 तो आ ही नहीं रहे लगभग, और 300 में से लगभग 150 के आसपास। यस सर, 150 के आसपास पास हो रहे हैं। पास हो रहे हैं। तो कैसा स्टाफ है, नॉर्मल चेकिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, हाइट चेस्ट वगैरह? कोऑपरेटिव स्टाफ है, फुल फुल नॉर्मल कर रही है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका हमारे पास कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जो आपने देखा था ऑनलाइन वो सब मिला आपको या कुछ कम मिला, ज़्यादा मिला, कैसा आपको? यस सर, उससे बढ़िया मिला, जैसे आप आराम से पूरा फिजिकल क्लियर, मेडिकल क्लियर हुआ और वो लास्ट में डाउट भी बताए जैसे कैसे क्लियर होगा और सॉल्यूशन वगैरह। सुबह से आप आए थे तब से अब तक चल ही रहा है? यस सर। हाँ जी, तो पहला आपका मेडिकल होगा ये? उससे पहले कभी मेडिकल नहीं हुआ, कभी बीपी भी नपवाने की जरूरत नहीं पड़ी? नो सर, पहला ही है जी। पहला ही है, आज ही बीपी ईसीजी वो सब आज ही आपका हुआ? जी, सब कुछ आज ही हुआ। चलिए, तो आप मेडिकल जो है उससे कुछ आत्मविश्वास बढ़ा आपका? यस सर, बढ़ा। यस, चलिए बहुत बढ़िया। आओ इधर आओ, दूसरे हमारे दिल्ली के कैंडिडेट हैं, आ जाओ, बताओ आपके बारे में बताइए, अपना सेंटर बताइए। मेरा नाम राहुल है, सेंटर मेरा पंचकुला हरियाणा में पड़ा था। आईटीबीपी सेंटर है, वहाँ पे कैसा ट्रैक था? वहाँ पे बस में लेके गए थे रोड पे। हाँ हाँ। वो अपने ट्रैक पे नहीं करवाई उन्होंने दौड़, रोड पे लेके गए, वहाँ 2.5 किलोमीटर अप डाउन था। अच्छा अच्छा, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, तो हाईवे पे हुआ था? एक साइड बंद कर दिया होगा? बंद रोड थी, हाईवे था, बंद हाईवे था, यानी जो बन रहा होगा वो हाईवे होगा। तो 2.5 जाना, फिर टोकन कलेक्ट करना और वापस आना? यस सर, ये रहा। हाँ। तो आपका तो वेट का इशू है यार, ये देखो, इनके ब्रदर भी आए हैं साथ में, मतलब घर पे पूरा वजन बढ़ा लिया आपने। दौड़ करी नहीं थी क्या? करी थी सर, करी थी, लेकिन अब और ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो, इनका मैं बता दूं आपको कि अभी लगभग 2 महीना मैक्सिमम है आपके पास, मेडिकल 2 महीने में आपके आ जाएंगे। यदि आप अभी इसको कम नहीं करोगे तो ये 2 गुनी गति से बढ़ेगा आपका वजन। और सीपीओ सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट आज आए थे, उनके साथ यही परेशानी है, वो सब ओवरवेट है। जितने भी आते हैं सीपीओ सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वो 2 महीने से कोई फिजिकल एक्टिविटी वो लोग नहीं कर रहे, तो फिजिकल एक्टिविटी अभी आपका 2 किलो 4 किलो तो कम हुआ होगा? यस सर। हुआ? यस सर। तो वो क्या 2 गुना 3 गुना गति से बढ़ेगा, अभी ज़्यादा है। ये देखो, ये पूरा देख रहे हो आप, जो चेहरे पे है, थाइज में है, उसकी वजह से क्या होता है, फैट की वजह से नौकनी का इशू हो जाता है। तो राहुल, कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा हमारे साथ? मेरा ये पहला ही मेडिकल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो पहले सुबह कुछ डर थे, कुछ डाउट्स थे कि क्या होगा, कैसे होगा? यस। और अभी मतलब कि ठीक है? अभी सब कुछ पता लग गया, कैसे क्या बढ़ा है। यस सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको कि एक दिन आप फिर हमें मैसेज करें कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मैसेज बहुत सारे आते हैं, जब रिजल्ट आता है तब तो ये स्थिति होती है कि हम 2 दिन तक जवाब नहीं दे पाते उनको।
तो बहुत शुभकामनाएं राहुल या हमारे जो कैंडिडेट हैं, आपका नाम बताइए फिर से। मनीष हैं आप, अजीत, ये लोग आए दूर दराज के इलाके से और सभी सेलेक्ट हों। जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, देखिए इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर रहता है, तो उसको समय रहते हम ठीक कर सकते हैं। बाकी री मेडिकल आपको पता है कि एक दिन का री मेडिकल मिलता है, उसमें वो ठीक नहीं हो पाता। तो बने रहे चैनल के साथ। जय हिंद।